तो आज स्टूडियो में बात करने वाले हम यूके टेंशन जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन एनवे सीरीज के कंप्लीट वॉचर के ऊपर। अगर हम इस एनिमे का एक शॉर्ट रिव्यू करें तो ये ड्रामा इजी फैंटेसी और एक मैजिक एनिमे है जो कि एग्जिस्ट करता है एक ईसा की वर्ल्ड के ऊपर। अगर हम इस एनिमे की बेसिक स्टोरी के ऊपर बात करें तो मैं आपको ज्यादा स्पॉइलर नहीं देना चाहता जिससे आपकी स्टोरी खराब हो, लेकिन हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर का नाम होने वाला है रूडस, जिसके एपिसोड 1 में ही अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है और हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर रिकॉर्डिनेट कर जाता है दूसरे वर्ल्ड में जो कि एक मैजिक वर्ल्ड है। लेकिन हमारे एनिमे के मेन कैरेक्टर की रिकॉर्डिनेशन काफी स्पेशल होने वाली है क्योंकि वो रिकॉर्ड होगा दूसरे वर्ल्ड में कम्प्लीटली एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह, जिसके पास होंगे उसकी तमाम पास्ट लाइफ की मेमोरीज जो कि बहुत ही ज्यादा हॉरिबल थी। तो हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर डिसाइड करता है वो अपनी इस न्यू लाइफ को बहुत ज्यादा बेहतर बनाएगा, अपनी उन तमाम मिस्टेक्स को दुरुस्त करेगा जो कि उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में की थी, जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह तबाह हो चुकी थी। तो इसके बाद इस एनिमे की स्टोरी बहुत ही अच्छे तरीके से मूव करेगी। हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर अपने कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज्यादा काम करता है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। तो एनिमे कम्प्लीटली एक कैरेक्टर डेवलप स्टोरी होने वाली है जिससे आप बहुत ज्यादा लाइफ लर्निंग लेसन सीख सकते हैं। तो एनिमे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस एनिमे को जरूर देखिए, ये एक बहुत ही बेस्ट ईसा की एनिमे है। तो सबसे पहले आ जाता है इसका सीजन 1 जिसका नाम था मशूके टेंसेन जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन, जो की रिलीज हुआ था June 11, 2021 को। इसके फर्स्ट सीजन के अंदर आपको टोटल 11 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 23 मिनट और इसके फर्स्ट सीजन रेटिंग मिलती है 8.36 की। तो उसका फर्स्ट सीजन देखने के बाद अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे जिसका नाम था मशूके टेंसेन जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन पार्ट 2, जो कि रिलीज हुआ था उसी साल October 4, 2011 को। इस सीजन के अंदर आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड की लेंथ है नियरली 23 मिनट और इस सीजन रेटिंग मिली थी 8.66 की। तो इसका सेकंड पार्ट देखने के बाद अब इसके एक स्पेशल एपिसोड देख सकते हैं जिसका नाम था मशूके टेंसेन जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन एरिस द गोब्लिन स्लेयर। ये स्पेशल एपिसोड जो हुआ था March 16, 2022 को, एक सिंगल एपिसोड है जिसका लेंथ है टोटल 23 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती 7.82 की। तो स्पेशल एपिसोड को देखने के बाद अब इसका एक और स्पेशल एपिसोड भी देख सकते हैं जिसका नाम था मशूके टेंसेन जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन सेकंड सीजन एपिसोड 0। ये एपिसोड रिलीज हुआ था July 3, 2023 को, ये एक सिंगल एपिसोड है जिसके लेंथ है 24 मिनट और इस एपिसोड को रेटिंग मिलती 7.53 की। ये काफी हद तक रिकैप है सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड का, तो अगर आप देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, वरना इस एपिसोड को आप स्किप भी कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाता है इसका सेकंड सीजन जिसका नाम था मशूके टेंसेन जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन सीजन 2, जो कि रिलीज हुआ था July 10, 2023 को। इस सीजन के आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड का था नियरली 23 मिनट और इस सीजन रेटिंग मिली थी 8.25 की। तो इस सीरीज का सेकंड सीजन देखने के बाद अब इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे जो कि रिसेंटली रिलीज हुआ है जिसका नाम था मशूके टेंसेन जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन सीजन 2 पार्ट 2, जो कि रिलीज हुआ था April 8, 2024 को। इस सीजन के आपको टोटल 12 एपिसोड देखने को मिलते हैं, हर एपिसोड का था नियरली 23 मिनट और ये सीजन भी काफी हाई रेटेड सीजन था जिसे एनिमे फैंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया है। तो इसको देखने के बाद इसका थर्ड सीजन कंफर्म हो चुका है जिसका नाम होगा मशूके टेंसेन जॉबलेस रिकॉर्डिनेशन सीजन 3। तो अभी तक ये सीजन कंफर्म हुआ है लेकिन कोई भी अपडेट नहीं आई ये कब रिलीज होगा, इसमें कितने एपिसोड देखने को मिलेंगे, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 2025 के आखिर में ये सीजन देखने को मिल सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे इसकी मांगा के ऊपर। तो मशूके टेंसेन एनिमे सीरीज के अंदर आपको टोटल 26 वॉल्यूम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से अभी तक सिर्फ इसके फर्स्ट 13 वॉल्यूम ही एनिमेटेड हुए हैं, यानी आपको सीजन 3 की स्टोरी वॉल्यूम 14 से देखने को मिलेगी। तो अगर आप इस एनिमे की स्टोरी को अर्ली जानना चाहते हैं तो आप इसका वॉल्यूम 14 पढ़ सकते हैं। तो एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है इसकी मांगा के रिलेटेड कि क्या इस एनिमे की स्टोरी कम्प्लीटली एंड हो चुकी है इसकी मांगा के अंदर या नहीं। तो इसका आंसर है नो, इसकी स्टोरी स्टिल ऑन गोइंग है और इस एनिमे की स्टोरी अभी तक एंड नहीं हुई। तो आप इसके न्यू चैप्टर्स देखने को मिलेंगे और स्टिल इसके बहुत सारे अभी वॉल्यूम रिलीज होना बाकी हैं। तो ये काफी लॉन्ग रनिंग सीरीज होने वाली है और आपको फ्यूचर में अभी 3 से 4 इसके न्यू सीजन भी देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ इसकी ऑफ स्पिन सीजन और नॉवल्स भी रिलीज हुए हैं जो कि इसकी साइड स्टोरी को एक्सप्लेन करते हैं। ये एनिमे आपको कम्प्लीटली इंग्लिश साब और डब दोनों में देखने को मिल जाएगा, लेकिन स्टिल इस एनिमे का अभी तक हिंदी डब एपिसोड क्रंची रोल ने नहीं किया। अनऑफिशियली बहुत सारे इसके हिंदी डब हुए हैं, जैसे कोई ऑफिशियल इसका हिंदी डब होगा उसकी अपडेट मैं अपने यूट्यूब चैनल पे बता दूंगा। तो मैं कहता हूँ वीडियो के लिए हेल्पफुल रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपके फेवरेट एनिमे के वॉचर बताता रहूँ। एंड थैंक यू टू वॉच माई वीडियो।